Hello students, today in Unit 3, subject electric power generation, we will understand about types of solar thermal power plants. Myself, Chandrasekhar S. Patil, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Yatra. आज हम लोग Unit 3 में विषय electric power generation, हम लोग आज types of solar thermal power plants के बारे में जानकारी लेंगे. कंटेंट्स में हम लोग आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स, मतलब सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के कई प्रकार कौन से देन फिर उसके बाद देखेंगे लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट यूजिंग अरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर. दूसरा है लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट. थर्ड वन सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हम लोग देखेंगे सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है और उसमें बिजली कैसे बनाई जाती है. चौथा मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, मतलब मीडियम टेम्परेचर रेंजेस जो होती हैं उनमें कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, ऐसे सोलर पावर प्लांट्स को हम लोग मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट के अंतर्गत पढ़ेंगे. हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट यूजिंग सेंट्रल टावर. पांचवा है हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट यूजिंग सेंट्रल टावर. तो ये चार तरीके हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट्स के वर्किंग के, तो हम लोग एक एक करके इसको जानकारी लेंगे. टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट्स. There are various types of solar thermal power plants from small size to large size with low, medium and high temperatures obtained from solar radiations. मतलब solar thermal power plants कई प्रकार के होते हैं, वो small size के भी हो सकते हैं, large size के भी हो सकते हैं, low, medium and high temperature ranges जहां पे हैं इन पे इन कारणों से भी सोलर थर्मल पावर प्लांट्स को विभाजित किया जाता है. पहला वाला विभाजन क्या है, लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट यूजिंग अरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. टेम्परेचर्स रेंज बिटवीन 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे सोलर रेडिएशन से 60 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसमें लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट का के अंतर्गत उसको देखा जाता है. और इसमें अरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स, जैसे हमने प्रीवियस या पिछले स्लाइड में देखा, पिछले वीडियो में देखा कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स क्या होती हैं और उनका एक अरे बना रहता है. अरे मतलब सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. तो सीरीज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स को यूज करके हम लोग लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट में बिजली बना सकते हैं. इसमें टेम्परेचर रेंज होती है 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक. दूसरा वाला है सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक प्लांट यूजिंग ब्राइन सॉल्यूशंस इन पॉन्ड. दूसरा है ब्राइन सॉल्यूशन को यूज करते हुए सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है सोलर पॉन्ड के अंतर्गत. तो इसको क्या कहते हैं, सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक प्लांट. फिर तीसरा है मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट यूजिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम एंड यूजिंग कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 250 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड. मीडियम टेम्परेचर वो होती हैं जहां पे सोलर प्लांट में पानी वर्किंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल की जाती है और स्टीम और या वाफ बनाई जाती है जिससे टरबाइन स्टीम या वाफ बनाई जाती है. वाटर जो वर्किंग फ्लूइड है उससे वाफ मिलती है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स क्या होती हैं, जिसमें पूरे सोलर रेडिएशन को एक फोकल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट की जाती है, फोकस की जाती है एक जगह पे और उस जगह जगह से वाटर की पाइपें
बिछाई जाती हैं और उनमें से गर्मी जो है वो बनती है 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस टेम्परेचर पे जैसे हमने हमें पता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाफ बन जाता है, यहाँ पे तो हमें 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिल रहा है, तो जाहिर है कि पानी जो है वाफ बन जाएगा ऐसे। और वो वाफ जो है टरबाइन जनरेटर सेट में इंपिंच किया जाता है जिसमें बिजली की उत्पत्ति होती है। हाई टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट सेंट्रल टावर यूजिंग हेलियोस्टैट्स, टेम्परेचर्स 600 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट मतलब जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलती है हमें सोलार रेडिएशन से, जहां पे 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड का रेंज रहेगा, उसमें सोलार पावर प्लांट में सेंट्रल टावर होता है जो हीलियोस्टैट्स की तरह काम करते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे सोलार पावर प्लांट्स की वर्किंग और उनकी कंस्ट्रक्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। पहला देखेंगे लो टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट यूजिंग अरे ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि लो टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट ब्लॉक डायग्राम कैसे होता है। यहां पे सोलार रेडिएशन जो है फ्लैट प्लेट कलेक्टर पे जब गिरेंगे, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक ब्लैक बॉडी होता है, एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी का होता है, उसमें उसके नीचे पाइप कॉपर ट्यूब्स बिछाई गई हैं और नीचे जो है इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसके वजह से क्या होगा, सोलार रेडिएशन जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स पे गिरेंगे वो पूरी तरह से पाइप के अंदर बहता हुआ पानी को गर्म करने में इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड क्या है, पानी है, तो हॉट वाटर, यहाँ पे हॉट वाटर पंप की जाती है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के पाइपों के बीच में, और इसके वजह से जो सोलार रेडिएशंस गिरेंगे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स पे वो पानी को गर्म करने में इस्तेमाल होगा, और वो पानी जो है जैसे ही गर्म बन जाएगा 600 से 60 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहां पे टेम्परेचर रेंज रहेगा वहां पे पानी गर्म होके वाफ बन जाएगा और सीधे जाएगा हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे उसको ब्यूटेन बॉयलर कहा जाता है, वहां पे एक ब्यूटेन बॉयलर भी रहेगा जो ब्यूटेन को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर देगा। इससे क्या होगा, ब्यूटेन टरबाइन के अंदर ब्यूटेन वाफ को छोड़ा जाएगा, इंपिंच किया जाएगा जिससे टरबाइन घूमेगा, तो साथ ही साथ अल्टरनेटर भी घूमेगा क्योंकि टरबाइन और शाफ्ट अल्टरनेटर की जो शाफ्ट है वो एक साथ जुड़ी हुई है, और इसके वजह से जनरेटर जब घूमेगा रोटेशनल मोशन होगा तो आउटपुट एनर्जी जो मिलेगा हमें वो है इलेक्ट्रिक पावर। और जैसे ही ब्यूटेन गैस अपना प्रेशर कम हो जाएगा उसका, तो वापस लिक्विड ब्यूटेन गैस को हम लोग फीड पंप के द्वारा बॉयलर के अंदर वापस भेज देंगे। तो प्रोसीजर क्या था, फ्लूइड क्या यूज करते हैं हम लोग, लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट R11। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट R11 का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्यूटेन। सोलार कलेक्टर यूज्ड, फ्लैट प्लेट सोलार कलेक्टर, यहाँ पे भी फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिससे पानी को गर्म किया जाता है और पानी जो है हीट एक्सचेंजर के अंदर ब्यूटेन गैस को हीट पहुंचाएगा, और इससे क्या होगा, ब्यूटेन गैस वो जो है वो तुरंत गैस में बन जाएगा, हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे हाई प्रेशर गैस जब टरबाइन जनरेटर सेट में ब्यूटेन टरबाइन जनरेटर सेट में भेजा जाएगा तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलेगी। इससे क्या, एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, बहुत कम होती है, जो है 2 से 3% तक होंगे। कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या यूज की जाती है, कंपोनेंट्स ऑफ लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट,
जो है वो है सोलार कलेक्टर्स, हीट एक्सचेंजर, टरबाइन जनरेटर, कंडेंसर एंड सर्कुलेटिंग पंप। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सोलार कलेक्टर, यहाँ पे फ्लैट प्लेट सोलार कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर जो गर्म पानी बहेगा वहां से ब्यूटेन बॉयलर के अंदर जो ब्यूटेन गैस है, R11 ब्यूटेन गैस है, उसको गर्म करेगा, और जिससे लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। ब्यूटेन को लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है, क्योंकि वो 60 डिग्री या 70 डिग्री तक बॉइल होने के शुरू हो जाता है और वाफ बन जाता है। और दूसरा है टरबाइन जनरेटर सेट, मतलब टरबाइन और जनरेटर का सेट जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही है, लेकिन ये है ब्यूटेन टरबाइन जनरेटर सेट। उसके बाद कंडेंसर होता है, जहां पे ब्यूटेन गैस को कंडेंस किया जाता है, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करके, उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करके सर्कुलेटिंग पंप के द्वारा फिर से ब्यूटेन बॉयलर के अंदर भेजा जाता है। तो ऐसे हमने देखा कि सोलार रेडिएशन जब गिरेंगे सोलर प्लेट पे, तो यहाँ का अंदर का जो सोलर प्लेट्स कॉपर ट्यूब्स जो है उनमें जो पानी बह रहा है, ठंडा पानी बह रहा है, वो पानी जो है गर्म होके बॉयलर में जाएगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में जाएगा। और हीट एक्सचेंजर में क्या है, ब्यूटेन बॉयलर रखा गया है, और हीट एक्सचेंजर के अंदर जो गर्म पानी का जो हीट है, टेम्परेचर है, वो ब्यूटेन गैस को पहुंचाएगा, और वो ब्यूटेन गैस लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट होने की वजह से वो तुरंत वाफ में कन्वर्ट, हाई प्रेशर वाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो टरबाइन के अंदर उसको इम्पिंच किया जाता है, ब्यूटेन गैस को टरबाइन के अंदर, टरबाइन जनरेटर सेट के ऊपर इम्पिंच किया जाता है, जिससे ये टरबाइन जो है मैकेनिक रोटेशनल मोशन से घूमेगा, तो साथ ही साथ जनरेटर भी घूमेगा, और जनरेटर घूमने से आउटपुट इलेक्ट्रिक पावर मिलेगी हमें। और उसके बाद जो ब्यूटेन गैस बच जाता है, हाई प्रेशर ब्यूटेन गैस जो बन जाता है, वो बच जाता है, वो कंडेंसर के अंदर भेजा जाएगा, जिसमें यहाँ पे कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके ब्यूटेन गैस फीड पंप के द्वारा वापस लिक्विड ब्यूटेन इसको हीट एक्सचेंजर के अंदर या ब्यूटेन बॉयलर के अंदर भेजा जाएगा। ऐसे साइकिल चलता रहेगा जब तक सोलार रेडिएशंस रहेंगे, पानी गर्म होता रहेगा, ब्यूटेन गैस भी, लो प्रेशर गैस रेफ्रिजरेंट भी गैस बनता रहेगा, और टरबाइन जनरेटर सेट को घुमाता रहेगा, जिससे बिजली हमें मिलती रहेगी। दूसरा है सोलार रेडिएशन एनर्जी, जिसमें सोलार रेडिएशन एनर्जी क्या होता है, मतलब टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी साइकिल, सोलार रेडिएशन की क्या अहमियत है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर कलेक्ट सोलार एनर्जी, नॉर्मल जो सोलार रेडिएशन एनर्जी टाइप थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर द्वारा सोलार एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है, जिसमें हीट एनर्जी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वाटर इन द पाइप्स इन सोलार कलेक्टर हीटेड। सो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर जैसे मैंने बताया कॉपर ट्यूब्स होती हैं, उसके ऊपर एब्सॉर्बर रखा गया है जो ब्लैक कलर का होता है। जैसे ही सोलार रेडिएशंस ब्लैक एब्सॉर्बर पे गिरेंगी तो तुरंत पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है वो गर्म होता रहेगा और हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद जाएगा हीट एक्सचेंजर के अंदर, ब्यूटेन बॉयलर के ऊपर ब्यूटेन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट हाई प्रेशर गैसेस, जैसे मैंने पहले भी बताया पिछले डायग्राम में, ब्यूटेन गैस बन जाएगा हाई प्रेशर गैस, और ब्यूटेन टरबाइन के अंदर भेजा जाएगा। इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, मतलब ब्यूटेन बॉयलर जो है, टरबाइन जो है वो घूमने लग जाएगा। मैकेनिकल पावर ऑफ द टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है टरबाइन जनरेटर सेट में। उसके बाद लो प्रेशर ब्यूटेन गैस गोज टू द कंडेंसर, जैसे मैंने स्लाइड में बताया डायग्राम में कि लो प्रेशर ब्यूटेन गैस गोज टू द कंडेंसर, इट इज कंडेंस्ड एंड पंप ड्राइव्स द गैस टू हीट एक्सचेंजर। इसमें कंडेंस किया जाता है ब्यूटेन गैस को, और तुरंत हीट एक्सचेंजर के अंदर, ब्यूटेन बॉयलर के अंदर
गैस को ड्राइव किया जाता है। हाउ वाटर एक्सचेंजेस हीट टू द ब्यूटेन बॉयलर एंड लूजेस हीट कोल्ड वाटर पंप बैक टू द ट्यूब्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। जैसे पानी जो है वो गर्म हो जाता है तो हीट एक्सचेंजर के अंदर ब्यूटेन गैस को अपनी गर्मी देता है और वो भी कंडेंस होके तो वापस थोड़ा बहुत ठंडा होके फिर वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर ट्यूब्स में पानी बहेगा। तो यहाँ पे दो साइकिल है, एक तो पानी का साइकिल है और दूसरा है ब्यूटेन गैस का साइकिल। यहाँ पे पानी जो है गर्म हो रहा है और ठंडा हो रहा है, वैसे ही ब्यूटेन गैस लो प्रेशर लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट जो है वो भी वहां बन रहा है और कंडेंस होके फिर से ब्यूटेन बॉयलर के अंदर जा रहा है। ऐसे होता है लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट और सोलर रेडिएशन एनर्जी के द्वारा इसको किया हासिल किया जाता है। सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? ब्राइन सॉल्यूशंस, एक सोलर पॉन्ड के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन रखा जाता है। उसके बाद हीट एक्सचेंजर होता है, बॉयलर हीट एक्सचेंजर होता है और R2 वेपर, R11 वेपर जो है मतलब जैसे ब्यूटेन गैस जो है वो सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पे भी यूज किया जाता है और वेपर टर्बाइन जनरेटर सेट में उसको भेजा जाता है, इंपिंच किया जाता है। वैसे ही हॉट वाटर टू कूलिंग टावर, कोल्ड वाटर कंडेंसर, कंडेंस की जाती है ब्यूटेन गैस को और पंप किया जाता है फिर से बॉयलर के अंदर। तो हम लोग प्रोसीजर देखेंगे क्या होता है, जनरेटर स्टेप में क्या क्या स्टेप्स ली जाती है। सोलार फिल्ड विथ ब्राइन, सोलार पॉन्ड जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन से भरा जाता है। रिसीव्स सोलार रेडिएशंस, जैसे ही सोलार रेडिएशंस ब्राइन सॉल्यूशंस के ऊपर गिरेंगी तो टेम्परेचर ऑफ ब्राइन इंक्रीजेस, ब्राइन सॉल्यूशंस का जो टेम्परेचर है उसकी टेम्परेचर जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। गोज टू द बॉयलर, बॉयलर के अंदर सीधे सीधे उसको भेजा जाएगा। वर्किंग सब्सटेंस इवेपोरेट्स वेपर आर टू गोज टू द टर्बाइन, कन्वर्टेड मैकेनिकल पावर ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो है जहां पे हमने पानी का इस्तेमाल किया वैसे ही यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर की जगह पे हम लोग सोलर पॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पॉन्ड में क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। जैसे ही सोलर रेडिएशन ब्राइन सॉल्यूशन पे गिरेंगी सीधे सीधे ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो गर्म हो जाएगा और वो गर्म ब्राइन सॉल्यूशन जो है हीट एक्सचेंजर के अंदर फ्लो होगा और R2 गैस को गर्म करेगा और गोज टू द टर्बाइन, टर्बाइन गैस के अंदर जाएगा और ब्यूटेन टर्बाइन के ऊपर अंदर जाएगा, इंपिंच किया जाएगा और वहां पे टर्बाइन में मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट की जाती है। R2 लिक्विड गोज बैक टू द हीट एक्सचेंजर बॉयलर, मतलब जो हाई प्रेशर R2 लिक्विड R2 गैस जो लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हीट टर्बाइन जनरेटर सेट में, वो लो प्रेशर R2 लिक्विड कहां बहेगा, वापस बॉयलर के अंदर। कंडेंसर रिसीव्स कूलिंग वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर, कंडेंसर क्या करता है कि कूलिंग टावर से कूलिंग कोल्ड वाटर को रिसीव करेगा, जिससे क्या होगा कि R2 लिक्विड जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज अ लो टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट, ये क्या है, सोलार पावर प्लांट जो है वो लो टेम्परेचर रेंजेस में काम करेगा। दिस इज सुटेबल फॉर वेरी लो पावर जनरेशन, ये कहां पे इस्तेमाल की जाती है, जहां पे पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। इट्स एफिशिएंसी इज वेरी लो, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है। दिस प्लांट इज रेयरली यूज्ड, ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है और एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है उसकी और पावर जनरेशन या पावर आउटपुट जो मिलेगा वो भी बहुत कम होता है
और टेम्परेचर रेंजेस जो हमने हमें काम करना है वो भी बहुत लो लेवल रेंजेस पे काम करना है। और यहाँ पे कंडेंसर के लिए पानी, कोल्ड पानी की जरूरत पड़ती है, गैस, ब्यूटेन गैस की जरूरत पड़ती है, R2 गैस की जरूरत, लिक्विड गैस की जरूरत पड़ती है, हीट एक्सचेंजर की जरूरत पड़ती है। इन सब कारणों से ये बहुत ही कॉस्टली साबित होता है और लो एफिशिएंट मालूम पड़ता है और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है मीडियम टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट। मीडियम टेम्परेचर जहां पे अचीव कर पा सकते हैं हम लोग, जैसे 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जहां पे टेम्परेचर हम लोग अचीव कर सकते हैं, कहां पे अचीव कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स में। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स वो होती हैं जहां पे एक फोकल पॉइंट, मतलब एक फोकस पॉइंट पे सारे रेडिएशंस को फोकस की जाती है और उस फोकस पॉइंट पे पाइप्स को बिछाई जाती हैं जिसमें पानी जो है बहता रहता है पाइप्स के अंदर। और उससे क्या होगा, सोलार रेडिएशंस, कॉन्सेंट्रेटेड सोलार रेडिएशंस होने की वजह से उसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगा। इसमें स्टोरेज टैंक भी होता है जहां पे पानी, गर्म पानी को स्टोर किया जाता है और वहां पे स्टीम जो है वो जनरेट होता है, और स्टीम मतलब वाफ, वाफ जनरेट होता है, और स्टीम जनरेट होके टरबाइन के अंदर भेजा जाता है, टरबाइन जनरेटर के सेट के ऊपर, और वहां से कंडेंसर जो है वो पानी को ठंडा करता है और वही वापस पानी जो है वो पंप किया जाता है स्टीम जनरेटर के या स्टीम स्टोरेज टैंक के अंदर। तो ये होता है मीडियम टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट। यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड कौन सा है, पानी, मतलब लिक्विड वाटर है, वाटर जो है यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है एक तरह का वर्किंग फ्लूइड के द्वारा तरफ तरह से। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स जैसे हमने पहले भी देख चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ट्रफ कलेक्टर्स, कॉन्सेंट्रेटेड पैराबोलिक कलेक्टर्स, और तीसरा क्या है, डिश टाइप। ओके, तो ये प्रकार फ्रेसनल लेंस भी यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटिंग फ्रेसनल लेंस भी यूज कर सकते हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स के अंदर आएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्किंग में देखेंगे हम लोग, वर्किंग ऑफ मीडियम टेम्परेचर सोलार पावर प्लांट्स। कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स आर यूज इन सच प्लांट्स। टेम्परेचर लिमिट कौन सा होता है, 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने फिगर को एक्सप्लेन करते वक्त जैसे मैंने बताया है यहाँ पे टेम्परेचर रेंज जो होता है वो 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स जो यूज की जाती हैं वो है पैराबोलिक कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स और ट्रफ टाइप कलेक्टर्स। और कंपोनेंट्स क्या होती हैं इसमें, अरे ऑफ सोलार कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर्स, मतलब यहाँ पे अरे रखा गया है, सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग सोलार कलेक्टर्स को रखी जाती हैं। स्टोरेज टैंक होता है, स्टोरेज टैंक में पानी को गर्म करके स्टोरेज टैंक के अंदर रखा जाता है। स्टीम जनरेटर मतलब यहाँ पे गर्म पानी को और थोड़ा उबालने के लिए रख देते हैं जिससे वाफ बन जाता है। स्टीम टरबाइन होता है जहाँ पे वाफ को, हाई प्रेशर स्टीम को इम्पिंच किया जाता है टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर जिससे शाफ्ट घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, जिससे आउटपुट एनर्जी जो मिलेगी हमें वो मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अल्टरनेट जनरेटर के द्वारा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे, सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंडेंसर में क्या होता है कि जो वाफ, लो हाई प्रेशर वाफ जो है टरबाइन जनरेटर सेट से निकलेगा, हाई प्रेशर टरबाइन जनरेटर सेट को ब्लेड्स को घुमाते हुए लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको कंडेंस करने की जरूरत पड़ती है जिससे वो फिर से पानी बन जाता है। और कंडेंस होने के बाद वो पानी जो है वापस पंप की जाती है कहाँ पे, बॉयलर के अंदर। तो हमने देखा कि अरे यूज्ड इन, यहाँ पे लिखा गया है कि अरे मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट की वर्किंग में क्या क्या होता है। पैराबोलिक ट्रफ टाइप कलेक्टर्स रखी जाती हैं, हीट
हीट इज कैरीड टू द स्टोरेज टैंक फर्दर इन द स्टीम जनरेटर स्टीम गोज टू ड्राइव स्टीम टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द टर्बाइन ड्राइव द जनरेटर एंड इट कन्वर्ट्स इट इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जॉस्ट स्टीम कम्स टू द कंडेंसर वेर इट इज कंडेंस्ड बाई कूल वॉटर फ्रॉम कूलिंग टावर एंड पंप्ड बैक टू स्टीम जनरेटर दिस टाइप ऑफ प्लांट इज रनिंग इन राजस्थान ऑफ कैपेसिटी 30 मेगावाट्स ऐसे मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट का डिजाइन जो है या मॉडल 30 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो राजस्थान में आजकल काम कर रहा है या चल रहा है। फिर देखेंगे हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट यूजिंग सेंट्रल टावर। यहाँ पे हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट जैसे फिगर में दिखाया जा रहा है कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है वो सोलर पावर लेंसेस के ऊपर गिर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या क्या दी गई, यूज ऑफ सेंट्रल टावर रिसीवर, सेंट्रल टावर रिसीवर, टावर के ऊपर रिसीवर या एब्जॉर्बर रखा गया है। टावर हाइट इज अबाउट 500 मीटर्स, तो आधे किलोमीटर तक टावर का हाइट रहेगा, आधे किलोमीटर ऊंचाई का टावर हाइट रहेगा। अरे ऑफ प्लेइंग मिरर्स, मतलब यहाँ पे प्लेइंग मिरर्स रखी गई है नीचे भी, अरे अरे मतलब नंबर ऑफ प्लेइंग मिरर्स हेलियोस्टैट्स के ऊपर रखा गया है। मिरर्स रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन टू रिसीवर, मतलब सारे मिरर्स जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सोलर रेडिएशन को रिसीवर के तरफ, और रिसीवर इज केप्ट ऑन टावर टॉप, रिसीवर या एब्जॉर्बर जो है वो टावर टॉप के ऊपर रखा गया है जिससे पानी जो है वो गर्म होगा, और फीड वाटर इज इन एब्जॉर्बर रिसीवर दैट इज बॉयलर कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट हाई टेम्परेचर अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बहुत सारे अरे ऑफ मिरर्स रखी गई हैं और सारे मिरर्स जो हैं सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एब्जॉर्बर की तरफ, और उस एंगल एब्जॉर्बर पॉइंट पे क्या होता है कि वहां पे बॉयलर रखी गई है जहां पे पानी जो है रखा गया है, पानी जो है गर्म होता रहेगा और वाफ में बनता रहेगा, वाफ बनता रहेगा और हाई टेम्परेचर अबाउट 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग अचीव कर सकते हैं इस पावर प्लांट के अंदर। हाई टेम्परेचर स्टीम फ्रॉम बॉयलर गोज टू ड्राइव स्टीम टर्बाइन, मतलब हाई टेम्परेचर जो है वो स्टीम जो है वो बॉयलर के बॉयलर में जो बन रहा है वो टर्बाइन को ड्राइव करेगा, टर्बाइन ड्राइव्स द जनरेटर टू कन्वर्ट मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। जैसे पिछले दो पावर प्लांट्स में हमने देखा कि टर्बाइन जनरेटर सेट होता है, वहां पे स्टीम टर्बाइन जनरेटर, यहाँ पे स्टीम टर्बाइन जनरेटर सेट का यूज किया गया है जहां पे वाफ जो है गर्म हाई प्रेशर स्टीम जो है वो इलेक्ट्रिकल टर्बाइन ड्राइव्स को जनरेट कर टर्बाइन को ड्राइव करेगा और मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कौन करता है कि अल्टरनेटर कन्वर्ट करता है, क्योंकि टर्बाइन की जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से जुड़ी हुई है और जैसे ही टर्बाइन घूमेगा अल्टरनेटर भी घूमेगा, और अल्टरनेटर जैसे ही घूमेगा मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। कंडेंसर सी कंडेंसेस स्टीम एंड पंप्ड बैक टू दी बॉयलर, कंडेंसर यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे स्लाइड में दिखाई है कंडेंसर सी, जहां पे कंडेंसर क्या करेगा पानी को गर्म वाफ को पानी में कन्वर्ट करेगा और फिर से पानी जो है वो बॉयलर के अंदर पंप की जाती है पंप के फीड पंप के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है नीचे जो हाई प्रेशर नीचे क्या होता है कि यहाँ पे अरे ऑफ मिरर्स रखी गई है इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, जो भी इंसिडेंट रेडिएशंस जो गिरेगी सोलर रेडिएशंस मिरर पे वो सारे रिसीवर या एब्जॉर्बर की तरफ भेजा जाएगा और वो एब्जॉर्बर जो है वो सीधे सीधे सारे रेडिएशंस को एक साथ इकट्ठा कर लेगा और उसके अंदर जो पानी या वर्किंग फ्लूइड वाटर जो है रखा गया है उसको गर्म करेगा जिससे वो वाफ बनेगा और हाई प्रेशर स्टीम जो है टर्बाइन जनरेटर सेट के अंदर जाएगा जिससे
टरबाइन घूमेगा, अल्टरनेटर घूमेगा और आउटपुट एनर्जी जो मिलेगी हमें वो है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। सी मतलब जो लो प्रेशर स्टीम जो है जैसे ही टरबाइन जनरेटर से बाहर आएगा उसको कंडेंस की जाती है और फीड पंप के द्वारा वाफ कंडेंस होने के बाद क्या होता है कि लो प्रेशर स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको पंप के द्वारा फीड वाटर उसको पंप के द्वारा वापस बॉयलर के अंदर भेजा जाएगा, उसको क्या कहते हैं फीड वाटर। तो फीड वाटर जो है वो बॉयलर या एब्जॉर्बर के अंदर वापस भेजा जाएगा जिससे अगले साइकिल के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते। ऐसे हमने चार प्रकार के सोलर पावर प्लांट्स के बारे में जानकारी ली। थैंक यू।